गुड मॉर्निंग, आई एम कंप्यूटर टीचर ऑफ मनबोधन प्रसाद पब्लिक स्कूल शामनगर CBSE एफिलेटेड स्कूल एंड टुडे आई एम टीच टू अंडरस्टैंडिंग विंडो फॉर क्लास थर्ड। आज क्लास थर्ड को हम विंडो के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे विलियम हेनरी बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मतलब विलियम हेनरी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को की संरचना की थी। अपना स्टार्ट करेंगे हम विंडो के बारे में। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विंडो क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो अ बस हैज़ अ बॉडी इंजन विद इन व्हील्स एंड फ्यूल बट इट कैन नॉट रन विदाउट अ ड्राइवर। एक बस में, मतलब बस में बॉडी होती है, बॉडी में इंजन होता है, व्हील होते हैं, पेट्रोल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बिना ड्राइवर के वो नहीं चल सकती है। व्हेन द ड्राइवर स्टार्ट अ बस अ गेट रेडी टू मूव, जब ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है तब वह चलने के लिए या मूव होने के लिए तैयार होती है। सिमिलरली देयर आर अ कंप्यूटर ड्राइवर नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम डैट एनेबल अस टू रन अ कंप्यूटर। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर का जो ड्राइवर होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब तक किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा वो कंप्यूटर में हम वर्क नहीं कर सकते हैं। सो अब हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम या व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर प्रोग्राम को सारे कलेक्शंस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नंबर वन सिंगल यूज़र एंड नंबर टू मल्टी यूज़र। फर्स्टली हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सिंगल यूज़र। सिस्टम ऑपरेट बाय अ सिंगल पर्सन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ ए कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जब किसी कंप्यूटर को एक व्यक्ति के द्वारा या कोई भी अपना पर्सनल कंप्यूटर कोई एक व्यक्ति यूज़ करता है या ऑपरेट करता है उसे हम लोग सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एम एस डोस विंडोज XP विंडोज 7 विंडो 8 एसेट्रा। इसी तरह मल्टी यूज़र में व्हेन अ सिस्टम इज़ ऑपरेट बाय मोर देन वन पर्सन थ्रू नेटवर्किंग इट इज़ ए कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जब किसी कंप्यूटर में नेटवर्किंग के द्वारा एक या एक से अधिक लोग ऑपरेट करते हैं उसको हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिनक्स यूनिक्स एक्सेट्रा।